वो धरना के लिए आप लाचार होकर के यहाँ आए हैं, लगातार संघर्ष के बाद आप यहाँ आए। आप देख रहे हैं कि आपके बगल में हेल्थ राइट का, स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर के भी एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य अधिकार के लड़ाई को भी इस संघ समर्थन करता है और भारत ज्ञान विज्ञान समिति उस संघर्ष में, स्वास्थ्य के लड़ाई में भी आपके साथ है, स्वास्थ्य के साथियों के साथ। दोस्तों, आज जो आप यहाँ आए हैं, जैसा कि तुहिन जी बोले कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति जिसका स्थापना 1989 में हुआ और इसलिए हुआ था कि इस देश में साक्षरता आंदोलन का शुरुआत किया जाए, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति और राज्य संसाधन केंद्र और करोड़ों स्वयंसेवक साथी मिलकर के इस देश में 90 से लेकर के 2001 में जो साक्षरता का एक दशकीय वृद्धि हुआ था वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था, 14% वृद्धि हुआ था। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी को जाता है सामग्री निर्माण से लेकर के सारे चीजों में, वह राज्य संसाधन केंद्र को जाता है। लेकिन आज उस राज्य संसाधन केंद्र के लोगों को एक सरकारी चिट्ठी से राज्य संसाधन केंद्र को खत्म कर दिया गया। एक सरकारी चिट्ठी से जो राज्य संसाधन केंद्र एडल्ट एजुकेशन में एक नया इतिहास रचा, चाहे नेलौर का शराबबंदी आंदोलन, चाहे पुद्दकोटी के पत्थर के मजदूरों के बीच का लड़ाई, चाहे धनबाद के माफिया के विरुद्ध आंदोलन, सारे चीजों के लिए जो प्राइमर तैयार किया गया वो पूरे प्राइमर तैयार करने में सबसे ज्यादा अगर किसी को योगदान था तो राज्य संसाधन केंद्र का था। सिर्फ राज्य संसाधन केंद्र ये नहीं किया, जो 1.5 करोड़ स्वयं सेवक पढ़ाने के लिए आए थे उन 1.5 करोड़ स्वयं सेवकों को राज्य संसाधन केंद्र के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया। राज्य संसाधन केंद्र को चालू करो, चालू करो, चालू करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। 23 लाख आदिवासियों को उसमें एक राय में, सुप्रीम कोर्ट के राय में वो सब जंगल से, अधिकार से वो अलहदा हो गए, वंचित हो गए हैं। हर प्रेरक का, हर जन का ये मेरे से प्रश्न होता है, मैडम अगर SRC बंद है तो क्या साक्षरता खत्म हो गई? आप सोचिए साक्षरता का और SRC का कितना गहरा संबंध है। वो लोग जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जो साक्षरता को लाया जा रहा था वो जनता तक, जो ग्रासरूट लेवल पे भी जो लोग हैं वो उसको नकारते हैं, वो लोग नहीं पहचानते, क्योंकि साक्षरता से जुड़ा हुआ जो सरकारी तंत्र है वो कभी भी नहीं पहुंचता उनके बीच में। ये SRC थे, राज्य संसाधन केंद्र थे, जिन्होंने अपनी गहरी पैठ बनाई थी सरकारी योजनाओं तक को। हम लोग, मेरे जितने साथियाँ मौजूद हैं, मैं अगर बोलूँगी तो आप लोग कहेंगे मैम ये काम हम कर ही रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकारी योजना थी जिसके विषय में हम ग्रास रूट लेवल पर लोगों से बात नहीं कर रहे थे? हमारे जो स्कूली तंत्र है 35% से ज़्यादा उसमें बजट का कट किया गया है। जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के साथी यहाँ पर बगल में धरने में है, 45% बजट का कट जो है वो स्वास्थ्य में किया गया है। जो हमारे ICDS की जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, वो कल इसी स्टेज से उन्होंने भी हजारों की संख्या में उन्होंने धरना दिया, 52% का कट उसमें किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा कट जो है, आपको ये इंगित करना चाहता हूँ, 100% कट जो है वो साक्षरता अभियान में किया गया है। पिछले 5 सालों से जो 6,000 करोड़ रुपया खर्च होना था नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, 25 करोड़ उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, ये उनके साथ अन्याय है। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक इस कार्यक्रम को शुरुआत नहीं किया गया तब तक हम इस संघर्ष का यहाँ से आह्वान करते हैं। और एक और बात, जो बहुत सारे और साथी भी हमारे विशाखापट्टनम से, गुजरात से, नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि बहुत दूर से, मेघालय से, आसाम से हमारे बीच में हैं, सभी लोग अपनी बातचीत जो है वो करेंगे। पर एक बात मैं जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेरकों के माध्यम से, राज्य संसाधन केंद्रों के माध्यम से हम जो है वो साक्षरता अभियान को बंद कर रहे हैं। यही कहा
कि जो चुनाव है प्रजातंत्र में, संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव में जनता को अधिकार रहता है कि जो कुशासन वाली सरकार रहती है, जो जनता को 5 साल तक लूटती है और कॉरपोरेट की दलाली करती है पूंजीपतियों की और गरीबों कर्मचारियों की उपेक्षा करती है, उसको मजा चखाने का समय है चुनाव। इसीलिए कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो हथियार है वो बड़े बड़े तानाशाहों को परास्त कर सकता है। आज की तारीख में एक झटके में राज्य संसाधन केंद्र को बंद कर दिया, एक झटके में 3.5 लाख प्रेरकों को बेरोजगार बना दिया और वो ये सोचते हैं कि वो जीत गए हैं। वो जनता के तानाशाह है, वो सोचते हैं कि राजा है। सरकार ने हमको कुछ भी कोई मान्यता नहीं दिया है। इतना साल 40 साल हम लोगों ने साक्षरता इतना अभियान चलाया है, सारी का सारी जितना फोल मिला है, जितना रिजल्ट मिला है वो राज्य संसाधन केंद्र है। जो हमारा जो आसाम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जो एडल लिटरेसी का कोई लिटरेसी मेटर है ही नहीं था, उसमें हमने बनाया था। तो लगातार हमने पुस्तक बनाया था, पुस्तक मेटेरियल बनाया है। और जितना भी उसका जो जो इवोल्यूशन हुआ है, मूल्यांकन हुआ है, हमको जोर लेता है। हम अच्छे से काम कर देता हूँ, उसके बाद उसको बोलता है एसआरसी का कोई जरूरी नहीं होता है। देखिए, हम दुख की बात कहना पड़ता है, लगातार 3 साल इस देश में कोई एडल्ट एजुकेशन का कोई प्रोग्राम है ही नहीं। ये बहुत दुख की बात है। आप ऐसा स्थिति है, इसमें अभी भी 28 से 30 करोड़ आप निरक्षर है, तो कब साक्षर होगा? इसीलिए हमने लगातार काम किया था, लेकिन सरकार ने हमारा जो इतना भी काम करने मेहनत के कोई समझ नहीं पा रहा है। देखिए, हमारा जो एडल्ट लिटरेसी का एक दो स्कीम था, दो स्कीम में हम एसआरसी था और वो जन शिक्षण संस्थान है, स्कीम ऑफ वॉलंटरी एडल्ट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। लेकिन सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है जो एसआरसी को तो सारी चीज रुक गया। उसके सफलता के परिणाम, उसकी प्रभावशीलता का परिणाम है 98%। हमारे जो रिसोर्स मटेरियल हैं, हमारी जो किताबें हैं, क्षेत्रीय किताबें हैं हमारी एसआरसी की, आसाम की किताब आसाम की भाषा में है और यूपी किताब यूपी की भाषा में, बिहार की किताब बिहार की भाषा में, उन किताबों को इस मूल्यांकन रिपोर्ट साथ है हमारे आरटीआई के माध्यम से कुछ सहयोगियों ने मदद की है। उस मूल्यांकन रिपोर्ट में एसआरसी का जो रिसोर्स मटेरियल है वो सबसे बेहतर गुणवत्ता का बताया गया है। जिला के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआरसी जिला लेवल की जो मॉनिटरिंग करती है, जो वैल्यूएशन करती है, उसकी गुणवत्ता 97% है पूरे देश में। और 4 महीने बाद उस रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी में डाल दिया गया और आदेश हुए कि बंद कर दो। हमारे साथी हमें बुलाया गया गोवा में, याद होगा तू इन जी के बाकी को अगली प्लानिंग करने के लिए। और उस प्लानिंग में हमारी मांग थी कि शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज है ना देश में, शिक्षा के काम के लिए यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यूजीसी है, तो साक्षरता के लिए भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। 30% आबादी के लिए है साक्षरता कोई यूनिवर्सिटी देश में? हमारी मांग थी यूनिवर्सिटी की और हमारे नीचे की कुर्सी छीन ली उसी दौरान। तो ये जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार लड़ेंगे और साक्षरता के काम की बहाली के लिए केवल हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम साक्षरता की हमारी मांग है, मुख्य मांग है हमारी, साक्षरता का जो काम चल रहा था उसको बहाल किया जाए ताकि देश में अशिक्षा, असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक समस्याएं, इन सबको समाप्त किया जा सके। साक्षरता ने केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, आप सब जानते हैं, सब गवाह हैं इस बात के। जो लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के प्रति जो जागरूकता है, जेंडर के प्रति जो सेंसिटाइजेशन आज समाज में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है,
जातिवाद को जो टक्कर दी है, सांप्रदायिकता को जो टक्कर दिया है, वो साक्षरता की देन है पिछले 40 सालों से जो हमने संघर्ष किया है।